ऑल राइट गाइज, वेलकम टू माई चैनल। आप देख रहे हो स्पूकी स्टोरीज हिंदी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो। हाँ तो गाइज, आज की स्टोरी वास्तव में घटी सच्चे कहानी पे आधारित होने जा रही है, जो कि हैरी नामक व्यक्ति उसके साथ हुआ है। मैं आज उनकी स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू होती है हैरी की जॉब सर्चिंग से। हैरी एक नॉर्मल कॉलेज एंड कोर्स पास आउट स्टूडेंट है, जो कि जॉब की तलाश में था। तलाश करते करते एक दिन उसे एक हॉस्पिटल के वॉचमैन का जॉब सूटेबल लगा, तो वो उस हॉस्पिटल में जाकर जॉब को अप्लाई करने का सोचा और किया भी। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके किस्मत में क्या लिखा था। आफ्टर इंटरव्यू हैरी को जॉब मिल गया वॉचमैन का। अराउंड $150 सैलरी था। वो बहुत खुश था और नेक्स्ट डे से उसकी इवनिंग शिफ्ट थी। अगले दिन शाम को आते आते हैरी को थोड़ा लेट हो गया। उसकी शिफ्ट थी 6:30 बजे से, वो आया 7 बजे को। सो पहले वाला वॉचमैन उस पर थोड़ा गुस्सा हो गया। आफ्टर ऑल उसे एक्स्ट्रा हाफ एन आवर का शिफ्ट करना पड़ा हैरी के वजह से। हैरी थोड़ा नाराज होकर पहले दिन शिफ्ट निभाया। हैरी को उस दिन अजीब सा कुछ महसूस नहीं हुआ। आराम से उसका शिफ्ट निकल गया। अब हैरी को डेली हॉस्पिटल जाने में डर लग रहा था। उसने बहुत कोशिश की अपने शिफ्ट को मॉर्निंग में कन्वर्ट करने की, बट उसे आए हुए बस 2 महीने ही हुए थे। सो पहला वाला वॉचमैन उसकी नहीं सुन रहा था और हैरी अब इरेगुलर होने लगा था। एक दिन हैरी अपने दोस्तों के साथ बार में घूमने गया। तब उसका एक दोस्त माइकल पूछा, भाई तेरा तो आज शिफ्ट है ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? उसका कोई जवाब ना देते हुए हैरी कॉन्स्टेंट ड्रिंक करने लगा। कुछ देर बाद सेम क्वेश्चन उसके और एक दोस्त शॉन ने पूछा, तो उसके जवाब में हैरी ने बोला, मुझे अब उस हॉस्पिटल में काम नहीं करना, वो जगह सही नहीं है, वहाँ इंसान नहीं आत्माओं का वास है। तो उसके सारे दोस्त शॉक हो गए और हैरी को शांत करके पूछने लगे कि क्या हुआ, तू ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या हुआ है तेरे साथ? पर उसका कोई जवाब ना देते हुए हैरी वापस से चुपचाप बैठ गया और अपना ग्लास ख़त्म करने लगा। तो उसके सभी दोस्त सोचे कि हैरी को चढ़ गई होगी, अनाप शनाप बखरा होगा। हैरी को छोड़ के उसके सारे दोस्त वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह को हैरी का दोस्त माइकल उसकी बातों को सीरियसली लेके हैरी के घर आ गया और पूछने लगा, भाई तू फिर से बता, ठीक से बताना अब कि क्या हुआ है तेरे साथ, तू ऐसा क्यों बोला रात को? तब हैरी बोला कि मैं जब से नौकरी में ज्वाइन हुआ था तो सब ठीक था, पर 1 महीने तक, लेकिन उसके बाद से डेली मेरे शिफ्ट में मुझे कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई देती थी और ऐसा लगता था कि मुझे कोई पीछे से बुला रहा है। मुझे हमेशा डोर्स में लाल रंग का धागा बंधा हुआ मिलता था और वो धागा एक रिदम में था। ऐसा लग रहा है कि वो धागा बंधा ही गया हो कि मुझे यहाँ से कहीं और ले जाया जा सके। मैंने एक दिन धागे को फॉलो किया तो देखा कि वो मॉर्ग में जा रहा है। मैंने आगे बढ़ने का सोचा भी नहीं क्योंकि मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, मेरे दिल की धड़कन मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो मैं पीछे आ गया। फिर ये तो बस नॉर्मल सी बात थी, पर लेकिन एक दिन हद हो गई। मैं हॉस्पिटल के राउंड लगा रहा था और तब मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, ऐसा कि मैं जब आगे बढ़ रहा हूँ मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। मुझे पीछे देखने का हिम्मत नहीं हुआ, मैं जल्दी से तेज़ी में चलते चलते फर्स्ट फ्लोर के सीढ़ी पे आ गया और बस उतरने ही जा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया और इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मैं गिर गया, और मुझे गिरते हुए उसने देखा और मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई हंस रहा है। मैं गिर गया और मेरे सिर पे चोट आ गई। ये सब सुनने के बाद माइकल डर गया और हैरी को सलाह दिया कि भाई तू हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ दे, कोई और ढूंढ ले, लेकिन ये मत कर। पर अब हैरी करता भी क्या, बहुत मुश्किलों के बाद उसे ये नौकरी लगी थी,
छोड़ता भी कैसे, वो वैसे ही काम करते गया। एक दिन हैरी अचानक से गायब हो गया और पुलिस उसे ढूंढने लगे। लगातार 4 दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद हैरी की बॉडी मिली हॉस्पिटल के मॉर्ग में, बहुत ही घिनौने आकार में, लाइक उसके रीब की हड्डियाँ निकली हुई थी, पैर पीछे की तरफ मोड़ा हुआ था और सिर सेम टू सेम पीछे की तरफ घुमा हुआ था। उसकी बॉडी देखकर इवन पुलिस वाले भी डर गए। सो गाइस, ये एक अनसॉल्व केस है और हाँ, सच्ची कहानी पे आधारित है। तो आप लोग बताओ कि कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड पीस आउट।